मंच पर से आगे अग्रसर होते हुए खिलाड़ियों के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, खेल तो जीवन है, इसको खेलना जरूरी है। इसके पश्चात आखाड़ की टीम सने सने सलामी मंच से ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है। आखाड़ के बाद आलड़ी के खिलाड़ी यहाँ पर रह करके अपना दमखम दिखाएंगे, हुनर दिखाएंगे, स्थान सुनिश्चित करेंगे। आलड़ी के बाद में बड़गांव और बामनवाड़ा, बड़गांव और बामनवाड़ा के विद्यार्थी अपने खेलों का जज्बा दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। सलामी मंच से धीरे धीरे अग्रसर होते हुए इसके पश्चात चित्तौड़ के खिलाड़ी एक ही वेशभूषा में यूनिफॉर्म में क्रीड़ा यूनिफॉर्म के चित्तौड़ के बाद में तैयपुर छात्र की लंबाई मायना नहीं रखती है, खेल भावना से वो खेलों को किस प्रकार से खेलते हैं, कौन सा स्थान सुनिश्चित करते हैं, ये महत्व रखता है। जयपुर के बाद दांतवाड़ा के खिलाड़ी सुरेश ने सलामी मंच से आगे गुजरते हुए दांतवाड़ा के बाद धामसेन, फिर धानोन, डूंगरी मंच पर सलामी देते हुए उनका एक ही मकसद है बेहतरीन श्रेष्ठ ढंग से कैसे खेला जाए। इसके पश्चात गोम के खिलाड़ी गोम, इन खिलाड़ियों का एक ही मकसद है कि किस प्रकार से अच्छा खेल खेले। जाकड़ी जाफरी के खिलाड़ी जालेरा खोद, जोड़दास के बाद काटमाला, मेड़ा के खिलाड़ी अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए मैत्रीवाड़ा, रानीवाड़ा खुर्द, इन खिलाड़ियों में गजब का जज्बा है, खेल की भावना से खेलेंगे। बर्तनपुर, रामपुरा और काविदा खिलाड़ी से मंच पर सलामी देते हुए सूरजवाड़ा, और सबसे पीछे मणधार सलामी देते हुए मंच के सामने कतार पर अपने स्थान पर खड़े हैं। इनके हाथ में क्रीड़ा का केंद्र झंडा थामे हुए हाथों में
खेल की भावना खेलने के लिए आते ये खिलाड़ी धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करते हुए जा रहे हैं।